हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पतरातू ब्लॉग वन में। गाइस, अभी टाइम हो चुके हैं लगभग 8 बज चुके हैं। आप यहां देख सकते हैं 8:30 हो गया, फिर भी देखिए सूरज का कोई अता पता नहीं है। तो चारों साइड ही कोहरा फैला हुआ है। पता नहीं आज का जो मौसम है कैसा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा है नज़ारा। चलिए, बने रहिए ब्लॉग पर। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि चारों साइड एकदम कोहरा ही कोहरा है नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सूरज का कोई नामो निशान भी नहीं है। देख लिए, देखिए यहाँ चारों साइड धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। कैमरा भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपको साथ ही साथ यहाँ से मेरा मैं अभी जो हूँ छत के ऊपर हूँ, ठीक है। मैं छत से जब देखता था तो एनटीपीसी का चिमनी दिखता था यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल तो कोहरा के कारण नहीं दिख पा रहा है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा नज़ारा यहाँ से दिखाने वाले हैं, एनटीपीसी को दिखाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रेलिंग में सीट का जो रात में जो सीट गिरता है, अभी तक पानी यहाँ जमा पड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे, चलिए नज़दीक से दिखेंगे। बहुत ठंडा ना रहने, देख सकते हैं। और देखिए, देख सकते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं रांची। तो फिलहाल अभी मैं बता दूं कौन कौन जा रहे हैं रांची। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है मेरे भैया नहीं जिनका नाम है अनिल, और ये है चिराग मेरा भगनाश्री, और ये है विशाल, ये है दीदी। यहाँ देख सकते हैं दीदी है। तो फिलहाल अभी चिराग का जा रहे हैं हम लोग स्कूल, उनका स्कूल जाना है, जल्दी लेट भी हो रहा है। तो अभी फिलहाल मौसम के कारण और भी हम लोग लेट जा रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं। तो वहाँ का भी नज़ारा देखेंगे, चिराग के स्कूल कैसा है, क्या है नहीं है। चलिए ठीक, उस भी जितने भी व्यूज है, जितने भी व्यूज पॉइंट है, सारा कुछ दिखाने वाले हैं। गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं पतरातू लेक रिसोर्ट, बोले तो डैम पहुंच चुका हूं। तो सारे व्यूज मैं दिखाऊंगा, और यहाँ तो देख सकते हैं डैम का दृश्य। और बता दो कि अभी जो पतरातू डैम फ़िलहाल अभी कोरोना काल के कारण अभी बंद पड़ा है, तो बाहर से ही मैं ये जो दृश्य है दिखाने का। गाइज, आप देख सकते हैं कि घाटी अब स्टार्ट हो चुका है, तो सारे व्यूज दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, एंड तक देखिए कि रास्ते कहां कहां से, कितने मोड़ पाते हैं, कितने किलोमीटर तक के ये। हेलो गाइस, फाइनली अभी हम पतरातू वैली पहुंच चुके हैं, बोले तो पतरातू घाटी पर अभी हम पहुंच चुके हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना शानदार नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, चलिए चारों तरफ आप कैमरा को घुरा के दिखाते हैं। हेलो
हेलो गाइज, आप देख सकते हैं कि पूरे घाटी लगभग 13 किलोमीटर की है। इस घाटी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच ये रास्ता, तो रास्ते से गुजरने में ऐसा दिलकश नज़ारा दिखता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे नज़ारा, और यहाँ आने का दिल सारे लोगों को करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैसा मुड़दार है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बीच में रास्ता, तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे है। चलिए पूरा नज़ारा दिखाते हैं। स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। फिलहाल अभी तो ये नज़ारे देखने में बहुत काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। हेलो गाइस, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज में एक गोला घेरा भी लगाया गया है। तो आप यहां देख पा रहे हो। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेन गेट में सैनिटाइजर के साथ साथ सारे अभिभावकों को टेम्परेचर भी मापा जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल का कितना अच्छा नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा है। तो चलिए आगे भी वीडियो देखते रहिए। फिलहाल अभी मैं पूरा स्कूल का जो है व्यूज दिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है चिराग का, तो मैं अभी उनका क्लासरूम तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद है जानता हूँ। गाइस, फाइनली अब हम क्विड वर्कशॉप पर आ चुके हैं। तो गाड़ी का काम करवाना है, अलाइनमेंट का काम है, देखते हैं कितना देर लगता है, उसके बाद फिर सारा व्यू दिखाते हैं वर्कशॉप पर। बने रहिए अपना। अच्छा अच्छा, मास्क कहाँ नहीं लगा? मास्क लगा के रहिए, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो देख सकते हैं, हेलो गाइस, मैं रांची से आ गया हूँ घर। तो सारा व्यूज मैंने दिखाया है, पतरातु घाटी से लेकर चिराग के स्कूल से लेकर दीदी के घर के आसपास के नज़ारे से लेकर वर्कशॉप तक, और अभी नज़ारा हमने दिखाया है। तो फिलहाल मैं काफ़ी थक चुका हूँ और ज़्यादा भूख भी है, तो फ्रेश व्रेश होके और मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद में। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा और पसंद लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।